हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, तो हमारे 10 स्टेट्स के नेशनल पार्क हो चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट 5 स्टेट्स के नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस करेंगे ट्रिक्स और इमेजेस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिपुरा स्टेट से। त्रिपुरा के 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो है बाइसन या फिर उसको बोलते हैं राजबरी नेशनल पार्क, और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो त्रिपुरा को हम लिखेंगे 3 से हम लिख रहे हैं 3, बाइसन राजबरी से हम लिखेंगे सन, बाइसन का मैंने लिया है सन और क्लाउडेड लियोपार्ड का मैंने लिया है लियोपार्ड। तो अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनी। 3 ईयर्स ओल्ड सन प्लेज विथ अ लेपर्ड टॉय, 3 ईयर्स ओल्ड सन प्लेज विथ अ लेपर्ड टॉय। तो अब देखिए इसको इमेज से कैसे याद करेंगे। ये है हमारा एक लेपर्ड और ये है एक 3 ईयर ओल्ड सन जो कि एक लेपर्ड टॉय के साथ खेल रहा है। तो ये हो गई हमारी त्रिपुरा स्टेट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है हमारी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क, अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब देखिए छत्तीसगढ़ को हम लिखेंगे छत्तीसगढ़ से मैंने लिया है छत, गुरु घासीदास नेशनल पार्क से मैंने लिया है गुरु, इंद्रावती से लिया है इंद्रावती, कंगेर वैली को मैंने लिखा है एंगर, कंगेर का मैंने लिया है एंगर, अचानकमर से मैंने लिया है अचानकमर। तो अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनी। छत पर गुरु ने इंद्रावती को एंगर में अचानक मार दिया, छत पर गुरु ने इंद्रावती को एंगर में अचानक मार दिया। अब देखिए इमेज के साथ इसको याद करते हैं। ये है हमारे गुरु जो कि बहुत ही गुस्से में है, उसने छत पर इंद्रावती को अचानक मार दिया। तो अब देखिए इस इमेज से आपको याद रहेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है हमारी उड़ीसा। उड़ीसा को मैंने लिया है डिश, उड़ीसा से मैंने लिया है डिश। इसके 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क से मैंने लिया है बटर, भीतर को आप ले बटर, भीतर को बटर। वैसे ही सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो सिंपल जैसा साउंड करता है, सिमलीपाल से मैंने लिया है सिंपल, सिमलीपाल नेशनल पार्क सिंपल। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनी। बटर मेक्स अ सिंपल डिश, बटर मेक्स अ सिंपल डिश। इसका मतलब जब हम बटर को यूज करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल डिश बनती है। तो अब देखिए इसको इमेज के साथ कैसे याद करेंगे। ये है हमारा एक बटर और ये हमने ब्रेड में बटर को लगाया तो एक ये बहुत ही सिंपल डिश बन गई, ब्रेड और बटर। तो अब देखिए आपको याद रहेगा उड़ीसा से डिश, बटर मेक्स अ सिंपल डिश। तो अब देखिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है हमारी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो 6 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो हैं गोविंद नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अब देखिए उत्तराखंड से मैंने लिया है उत्तर। अब आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज मत होना, जब मैंने आपको उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क करवाए थे तब मैंने उत्तर प्रदेश से लिया था यूपी, मैंने आपको सिखाया था यूपी के नवाब, तो उसमें मैंने यूपी लिया है, उत्तराखंड में मैंने लिया है उत्तर, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखिए गोविंद नेशनल पार्क से मैंने लिया है गोविंद, राजा जी नेशनल पार्क से लिया है राजा, नंदा देवी नेशनल पार्क से लिया है नंदा देवी, गंगोत्री से गंगोत्री, जिम कॉर्बेट से मैंने लिया है जिम और वैली ऑफ फ्लावर्स से मैंने लिया है फ्लावर्स। तो अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनी। गोविंद राजा ने नंदा देवी को गंगोत्री जिम से उतरकर फ्लावर्स दिए, गोविंद राजा ने नंदा देवी को गंगोत्री जिम से उतरकर फ्लावर्स दिए। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। ये है हमारे गोविंद राजा जो कि जिम जाकर आए हैं अभी अभी, और ये है हमारी नंदा देवी। तो गोविंद राजा ने नंदा देवी को जिम से उतरकर फ्लावर्स दिए। अब देखिए आपको ये याद रहेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है हमारी झारखंड।
झारखंड के दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क और बेटला नेशनल पार्क। तो झारखंड को देखो, झारखंड हजार जैसा साउंड होता है और वैसे ही हजारीबाग से भी मैंने हजार लिया है। तो देखिए, झारखंड को भी आपको हजार लेना है और हजारीबाग को भी आपको हजार लेना है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि हजारीबाग झारखंड में है, ठीक है। और जो सेकंड नेशनल पार्क है वो है बेटला नेशनल पार्क। तो बेटला से मैंने लिया है बॉटल, बेटला बॉटल। तो अब देखिए, इसकी तो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना। इसकी ट्रिक बनेगी हजार बॉटल, बस हजार बॉटल। तो हजार से आपको ध्यान रहेगा कि ये झारखंड की ट्रिक है। तो अब ये देखिए, हजार बॉटल दूध की रखी हुई है, तो आपको ये याद रहेगा कि ये हजार बॉटल झारखंड की ट्रिक है। ये हुए हमारे आज के पांच नेशनल पार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपको इसलिए देती हूँ ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, और आपको ये ट्रिक्स याद हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आप मुझे इसका आंसर नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए थोड़ा बहुत आप भी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। थोड़ा सा अगर आप भी कमेंट में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आ पाऊँ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेयर इज सलीम अली नेशनल पार्क। जो मैंने लेक्चर सेकेंड, जो पार्ट सेकेंड बनाया था नेशनल पार्क में, उसमें मैंने आपको सलीम अली नेशनल पार्क बताया था। तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। अभी तक हमने तीन पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं नेशनल पार्क के। अगर आपको ये नेशनल पार्क वाली सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे बताइए, मैं और नेशनल पार्क्स लेकर आऊँगी। और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी कीजिए ताकि सब लोगों को इससे फ़ायदा हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियोज़ लेकर आती हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।